وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. आजकल हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े शौक़ से करते हैं, लेकिन इन मामलात में भी अमानत की अदायगी का ख़्याल बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर किसी ने अपने वाईफाई पे पासवर्ड लगाया हुआ है। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी गलती है, हमें भी अपने ऑफिस में, अपनी दुकान पे, हत्ता कि इधर मदरसे में भी पासवर्ड बार बार चेंज करना पड़ता। पासवर्ड लगाते हैं इसलिए कि कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर सके, जिसको इजाज़त नहीं। फिर पासवर्ड चेंज क्यों करना पड़ता है? होता यह है कि हम चंद लोगों को देते हैं एक्सेस कि भाई आप इस वाईफाई को इस्तेमाल करें। फिर वो चंद और चंद को देते 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 काफ़ी लोगों तक पहुंच जाता है। फिर क्या करते हैं, दोबारा से पासवर्ड चेंज कर देते हैं, ताकि ये जो इसका मिसयूज़ है, ये जो खयानत है, ये जो चोरी है, ये ख़त्म हो जाए। ये चोरी है, फिर नया पासवर्ड लगा देते हैं। अब चंद लोगों को देना तो मजबूरी, और उनको बताया जाता है कि भाई पासवर्ड लगाने का ना भी बताओ तो पासवर्ड लगाने का मकसद ही यही है कि ये पब्लिकली नहीं है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। वो हजरात फिर आगे दे देते हैं। अगर वो आगे ना दे तो लोग बढ़ते कैसे? तो भाई सोशल मीडिया का, इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी जगह, लेकिन ये अमानत में खयानत है। और मेरा नहीं ख्याल के हर इदारे, मेरा ख्याल है हर इदारे में ये हो रहा है, वरना पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। जो भी पासवर्ड चेंज करता है क्यों करता है? कि जी मिसयूज़ बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ी माशरे की खराब। इसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर एक बड़ा अच्छा फीचर आया। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, एकदम मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने उसको डिलीट ऑल करके अपने पास से और आपके पास से डिलीट कर दिया। अगर ग्रुप में भी किया तो सबसे डिलीट ऑल हो गया। अच्छा, कोई अगर मुझे मैसेज भेजता था ना, कई दफ़ा ऐसा हुआ मुझे मैसेज भेजा डिलीट ऑल कर दिया, तो मैं उनको कहता था भाई ये तो आपकी बचपन की आदत है, अभी तक नहीं गई। बचपन में, हमारे बचपन में ये होता था कि लोग दरवाजे पर जाके ना बेल दे देते और भाग जाते। अब बाहर कोई आता तो देखता कोई भी ना होता। मैंने कहा ये तो आपने वो बातें याद करवा दी, तो इज़राए मजाक। लेकिन अब एक चीज़ और पता लगी, ऐसी ऐप्स आ गई हैं कि मैं अपने मोबाइल पे वो डाल लूँ, अगर वो ऐप डाउनलोड कर लूँ, अगले बंदे ने मुझे कुछ भेजा और डिलीट ऑल कर दिया, वो नहीं चाहता कि मैं देखूँ, लेकिन उस ऐप के ज़रिए मैंने उसके डिलीट ऑल की जो उसका हक था उस पर डाका मार दिया। तो ये भी जस्तजू और टो लगाने में आ जाता है, तो ये भी गलत चीज़ है। हर ऐप जायज़ नहीं होती, हर चीज़ जायज़ नहीं होती कि भाई मेरे मोबाइल पे मैंने लगा लिया, तो ये चीज़ें ख्याल करने वाली हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत कुछ और भी हो रहा है। अब मेरे अपने ही बयान के बारे में मैंने गुज़श्ता भी बताया था कि उस बयान को लिया सियाको सबाक से, काट पीट के कुछ और ही उससे मतलब निकाल दिया और उसको वायरल कर दिया। तो मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका। फिर अभी मैं 2-3 दिन पहले गया मीडिया सर्विसेज पे, शाहान इलाही साहब के पास वहाँ बैठे हुए थे, कोई डिज़ाइनिंग करवानी थी मुझे किसी प्रोडक्ट की, पैकेजिंग की। खैर, तो कहने लगे जी आजकल मौलाना इलियास घुमन साहब का को जो है ना वो क्लिप वायरल हो रहा है, और उसके अंदर कुछ ऐसे बेहयाई वाले कलेमात हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। उन्होंने मुझे सुनाए थे, क्लिप नहीं दिखाया, कहते मैं भेजूँगा ना, भेजा ना, मुझे उसका शौक था। वो क्या था, वो उन्होंने किसी की इबारत पढ़ी थी कि वो ये कहता है अपनी किताबों में। अब वो लोगों ने अगला पिछला काट के वो उनसे थोप दिया, देखो जी ये कैसे रंगीन मिजाज मौलवी आ गए। इसी तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब, अभी कराची जाना हुआ, उनसे मुलाकात भी हुई, उनको दावत भी इंशाल्लाह दावत भी दी, इंशाल्लाह वो यहाँ भी आएंगे। तो उनके भी कई क्लिप के बारे में, या मौलाना तारिक जमील साहब, उनके भी कई क्लिप के बारे में बात तो इतने सख्त होते हैं कि कुफर तक ही पहुंचा देते हैं बंदे को।
तो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी अमानत और दयानत के साथ हो। अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ अता फरमाए। ये कॉमन हमारे यहाँ चल रहा है ये मामला, तो हमें इससे बचना चाहिए। बाकी हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है ये सीरत का, आज सेकंड लास्ट बयान है। अगला बयान इंशाअल्लाह सीरत की इस मुबारक सीरीज़ का आखिरी बयान होगा, और उसमें इंशाअल्लाह जो यहाँ हजरात होंगे उनके लिए खाने का भी अहतमाम होगा इंशाअल्लाह। दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इस मुबारक सिलसिले को अपनी रहमत से कबूल फरमाए। मेरी तो एक बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश थी, अल्लाह ने पूरी की और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। यकीनन आप लोगों को भी मिला होगा, मुझे तो बहुत कुछ मिला। अब इन दो बयानात में होगा क्या, आज भी क्या है और कल अगले बुध को भी क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा, तवज्जो से सुनिएगा बात। याद रखें, हमारी आंख का देखा गलत हो सकता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से निकला हुआ हरफ गलत नहीं हो सकता। ये यकीन है हमारा, ईमान है हमारा। तो इन दोनों बयानात में क्या है, सिर्फ एक बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जिस बात की खबर दी कि ऐसे होगा, जिस चीज़ की पेशिंगोई कर दी कि ये होना है, वो होकर रहा। अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो इसमें कई कैटेगरियाँ हो जाएंगी। एक वो पेशिंगोइयाँ जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में अल्लाह ने पूरी कर दी। दूसरी वो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा में अल्लाह ने पूरी कर दी। तीसरी वो जो खिलाफत राशिदा से लेके आज तक पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। चौथी वो हम कैटेगरी बना सकते हैं जैसे इमाम मेहदी का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना और क़यामत तक की, और पाँचवीं क़यामत के दिन की कि क़यामत के दिन क्या होगा बता दिया। दुनिया का कुफर मिल के भी नबी अलैहिस्सलाम को झूठा नहीं कह सका, साहिर कहा, मजनू कहा, लेकिन सादिकुल अमीन कहते थे। जो जान के दुश्मन थे वो भी कभी आपको झूठा नहीं कह सके। और नबी अलैहिस्सलाम ने ये पेशिंगोइयाँ किन हालात में दी, इस पर भी गौर कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये पेशिंगोइयाँ किन हालात में दी गौर कीजिए। आप उम्मी हैं, किसी से पढ़ा नहीं आपने, और जिस वक्त आप अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमा रहे थे रूम फतह होगा, यमन फतह होगा, शाम कैसर और किसरा की सल्तनतें मिट जाएंगी, उस वक्त मुसलमानों की कैफियत क्या थी? तंगी में, बेसरो सामानी में इंतहाई उरूज था, यानी था ही कुछ नहीं। रात को सोते थे डर लगता था कोई दुश्मन ही ना आ जाए। थोड़े भी थे, कमज़ोर भी थे, और उधर वो उस ज़माने की वेल इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स थी। वो अपने कमाल में, तरक्की में, फ़ौज में, माल में, अपने निज़ाम में, उस ज़माने में वो उरूज के ऊपर थे, वो सुपर पावर्स थी। और आपने उस ज़माने में क्या कहा कि ये सब फतह होगा, और जो आका की मुबारक ज़ुबान से निकला तो अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया। हालांकि अकल में नहीं आती थी बात, ये भी एक इम्तिहान था। मुनाफिकीन मजाक उड़ाते थे कि देखो खाने को है नहीं, कहते हैं रूम फतह करेंगे, अपना घर बचाने के लिए असलाह नहीं है, कहते हैं जी किसरा को ख़त्म कर देंगे। और ईमान वाले जो मुसलमान थे नबी अलैहिस्सलाम के साथी, वो कहते थे ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, कि आका की मुबारक ज़ुबान से निकल के होके रहे। ये ईमान मेरा और आपका भी बन जाए तो ज़िंदगी में कितना सुकून आ जाए। मैं और आप दुनिया के लिए कितना लड़ते हैं, मरते हैं, जब मालूम हो जाए कि दुनिया से जाना है तो लड़ना मरना हमारा ख़त्म हो जाए। अब चलें हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कौन कौन सी पेशिंगोइयाँ की और उनका क्या क्या मामला बना। एक पेशिंगोई आपने की कुरान मजीद की नस्बत से, अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हिफाजत कुरान की पेशिंगोई ज़ुबान नबूवत से उम्मत को और पूरे
दुनिया को दे दी गई। आज 1400 साल हो गए, कुफर ने, बातिल ने हर सर तोड़ कोशिश की कि कुरान मजीद को मशकूक बना दिया जाए, इसमें कोई तब्दीली कर दी जाए, आज तक नाकाम और क़यामत तक नाकाम रहेगा। जबकि उनकी किताबें इंजील, तौरात अव्वल तो हैं नहीं, हैं तो सारी की सारी तहरीफ शुदा हैं, जिसका उनको ख़ुद यकीन है कि हाँ ये ठीक नहीं है। इस सिलसिले में मैं मुख्तसर सा वाक़ अर्ज़ कर दूँ। हज़रत जी जिन दिनों अमेरिका में होते थे तो वहाँ फरमाया कि एक मरतबा मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे कि यहाँ इंटरफेथ काउंसिल बनी हुई है, तो उसमें एक यहूदी होता है, ईसाई होता है, एक सिख होता है, कुछ मुख्तलिफ होते हैं, किसी मुसलमान को भी बुला लेते हैं। अच्छा, वो मुसलमान, उन्होंने आके कहा हज़रत को कि हज़रत वो सारा अपना मलबा मुसलमानों पर गिरा देते हैं। होता क्या है? कहने लगे हज़रत को कि जी अगर हम किसी ऐसे आलिम को ले जाएं जो तसव्वुफ़ का कायल है, उससे वो साइंस की बातें शुरू कर देते हैं। अगर किसी और फील्ड के आलिम को ले जाएं, उससे तसव्वुफ़ की बातें शुरू कर देते हैं। तो अगले बंदे को देख के दूसरी बातें शुरू कर देते हैं। तो आप तसव्वुफ़ को भी जानते हैं, साइंस को भी जानते हैं, दुनियावी तालीम भी है और दीनी तालीम भी आपके पास है, तो आप मेहरबानी करें और मुसलमानों का, इस्लाम का नुमाइंदा बन के आप जाएं। हज़रत फरमाते हैं कि मैंने कबूल किया और गया। तो वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें हुई। कहते हैं कि एक मरतबा एक मजलिस में यह हुआ कि उन्होंने कहा जी नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा क्या हो। हज़रत फरमाते हैं कि मैंने एजेंडा पेश किया, मैंने कहा भाई नेक्स्ट जो हमारा एजेंडा होना चाहिए वो ये है कि हम में से हर एक के पास जो वर्ड ऑफ गॉड है वो पेश करें। सबको बड़ा मज़ा आया और सब ने कहा मिस्टर अहमद आपकी ये सजेशन जो है कबूल है, बस अब नेक्स्ट जो हमारा इस काउंसिल का इजलास होगा उसमें हर बंदा वर्ड ऑफ गॉड पेश करेगा। हज़रत फरमाते हैं कि किसी को कोई बात समझ में ना आई, सारे बड़े खुश चले गए। खैर अगली दफ़ा जब मीटिंग वो शुरू हुई, इजलास शुरू हुआ, तो जो वहाँ का मेज़बान था उसने कहा मिस्टर अहमद तजवीज़ भी आपकी थी तो इब्तिदा भी आप कीजिए। हज़रत जी फरमाते हैं कि मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, उसके बाद उसका अंग्रेज़ी के अंदर तर्जुमा कर दिया। हज़रत फरमाते हैं कि सूरह फातिहा का इंतखाब इसलिए किया कि पूरे कुरान की समरी है, तो मैंने गोया के पूरे कुरान की दावत दे दी। मेरी बात जब पूरी हो गई तो मेज़बान ने मेरे साथ बैठा हुआ था ईसाई, कहा जी अब आपकी बारी है, अब आप शुरू करें। कहते हैं कि उसने जब शुरू किया तो बाइबल में जो पहाड़ी का गीत है वो इंग्लिश के अंदर उसने गाना पढ़ना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो पढ़ने लगा हज़रत फरमाते हैं कि मैंने कहा कि एक क्वेश्चन है जी। हाँ जी। कभी मेरी बात ये है कि वर्ड ऑफ गॉड क्या ये बाइबल अंग्रेज़ी में नाजिल हुई थी, इंग्लिश में नाजिल हुई थी? वर्ड ऑफ गॉड पढ़ने की बात हो रही है तो क्या यह बाइबल जो है ये इंग्लिश में नाजिल हुई थी? अब तो सब को सांप सूंघ गया, सब चुप के कहाँ आगे फंसे। वो जो बड़े तरन्नुम से गाने लगा था चुप हो गया। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं। ये क्या हज़रत फरमाते हैं कि एक तरफ यहूदी जो रबाई है वो भी बैठा हुआ था। खैर महफिल में सन्नाटा छा गया। तो खैर मेज़बान ने एक्सेप्ट किया, कहने लगा कि आज की ज़मीन के ऊपर अगर किसी के पास वर्ड ऑफ गॉड हैं वो सिवाय मुसलमानों के और कोई नहीं। हम सब के पास तर्जुमे हैं और तर्जुमे के भी तर्जुमे हैं। तौरात और इंजील जिन ज़ुबानों में थी वो तो ज़ुबानें भी अब नापैद हैं, अरबी आज भी मौजूद है। तो हिफाज़त कुरान का ये वादा अल्लाह का पूरा हुआ और ये क़यामत तक के लिए 1400 साल में कुफर ने पूरी कोशिश की, नहीं छेड़ सका। एक और पेशिंग हुई, एक और दावा, एक ऐसी हस्ती की मानिंद, ऐसी हस्ती की जानिब से जिसके पास अभी दावा करने के वक्त कोई हुकूमत नहीं, कोई कुव्वत नहीं। क्या दावा है? قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ
अला यातु बिमिस्लि हाज़ा कुरआन ला यातून बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। क्या मज़ेदार बात है, लाओ इस जैसे कुरान जैसी कोई सूरत बना के लाओ, तुम कभी नहीं ला सकते, तुम कर ही नहीं सकते, सारे जमा हो जाओ, कर लो जो करना है। कुफर ने बड़ा जोर लगाया, एक आयत कुरान मजीद की पेश नहीं कर सकते। एक आपको लतीफ़ा भी सुना दूँ, है तो हकीकत लेकिन लतीफ़ा ही है। एक शख्स ने नबूवत का दावा किया तो उसके मुरीदीन ने कहा कि भाई भाई बताओ तुम्हारे ऊपर क्या सूरत नाजिल हुई, उधर तो कुरान नाजिल होता है तो बताते हैं, तुम भी बताओ। तो उसने कहा अलफील वमल फील वमा अदरा का मल फील, कि हाथी तुम्हें क्या पता हाथी क्या है, उसकी सूंड लंबी होती है और दुम छोटी होती है। तो जब उन लोगों ने सुना तो कहा बस रहने दो, काफ़ी है आपका, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। तो ये भी कोई आज तक बात नहीं ला सका। तीसरी बात, कुरान में अल्लाह ने फरमाया जो नबी की ज़ुबान से हमें मिला, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह फरमाते हैं महबूब हम आपकी हिफाजत करेंगे लोगों से। नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन सिर्फ अरब नहीं था, पूरी दुनिया थी। कई ऐसे वाकयात आए कि दुश्मन ने समझा कि अब उनका काम पूरा हुआ, लेकिन अल्लाह की हिफाजत का वादा हमेशा गालिब रहा, कुछ नहीं कर सके। एक वाकया सुना देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं। मक्का की वो रात जब नबी अलैहिस्सलाम मक्का को छोड़ के जाने का इरादा किए बैठे घर के अंदर हैं, और बाहर कुफ्फार मक्का अपनी तलवारें लेके खड़े कि आज बस काम ख़त्म करना है, दर्जनों की तादाद में नंगी तलवारें बाहर हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्लाह का वादा हिफाजत का, आप बाहर निकले, सूरह यासीन की इब्तदाई आयात भी पढ़ते रहे, यूँ मट्टी ऐसे मुट्ठी जो है ना मट्टी की फेंकी, वो सबकी आंखों में गई और आप सबके सामने निकल गए, कोई कुछ नहीं कर सका। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, बड़ा उन्होंने ज़ोर लगाया, बड़े उनको उनके मुताबिक बड़े अच्छे चांस मिले उनके मुताबिक, लेकिन अल्लाह ने कैसे हिफाजत फरमाई। तो ये कुरान मजीद में और हदीस में पेशिंगोइयाँ और दावे हैं जो आज तक इसी तरीके से जो है वो चले आ रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं कर सका। गलबा इस्लाम का दावा किस वक्त, जब मुसलमानों के पास खाने को भी पूरा खाना पीना नहीं होता था, लिबास नहीं होता था, सवारियां नहीं होती थी। अल्लाह ने फरमाया हुवल लजी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीनी कुल्ली, तमाम अदियान के ऊपर इस्लाम जो है ना गालिब आएगा। उस वक्त मजूसियत थी, नसरानियत यानी ईसाइत थी, यहूदियत थी, दहरियत थी, जितने थे सब के ऊपर इस्लाम गालिब आ गया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी फरमाई। फिर मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले कुरान मजीद ने एक और दावा किया, अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फ़ी अदनल अर्द। हुआ क्या था, अहले मक्का मुशरिक थे और मुसलमान अहले किताब, उधर दो लोगों में जंग हुई, कैसर और किसरा में, रूम में सल्तनत रूम और सल्तनत फ़ारस में। फ़ारस वाले मुशरिक थे जैसे अहले मक्का मुशरिक, सल्तनत रूम वाले अहले किताब थे जैसे मुसलमान अहले किताब। हुआ क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ारस वालों को फतह दे दी, रूम वालों को मग़लूब कर दिया। मुशरिकी ने मक्का बड़े खुश हुए, क्यों, वैसे तो दोनों से कोई लेने देना नहीं था उनका, लेकिन इस नस्बत से कि भाई ये भी अहले किताब हैं तो अहले किताब को मार पड़ी है, तो कहते हैं तो देखो मुशरिक जीत गए ना, अब हम भी देखेंगे तुम्हारे साथ क्या करते हैं, होगा तुम्हारा भी यही। उस वक्त क्या बना, उस वक्त कुरान आ गया कि आइंदा आने वाले चंद सालों में रूम गालिब आ जाएगा और फारिस मगलूब हो जाएगा। जब आयात नाजिल हुई नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सुनाई, कुफ्फारे मक्का तो कहने लगे क्या ये हो ही नहीं सकता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने एक काफिर सरदार के साथ शर्त लगा ली, उस ज़माने में शर्त हराम नहीं हुई थी, इब्तदा इस्लाम का ज़माना है। उसने कहा मैं 10 ऊँट की शर्त लगाता हूँ। उन्होंने कहा लगाओ, अल्लाह का कुरान सच्चा, 3 साल की शर्त तय कर ली। नबी अलैहिस्सलाम को बताया जी मैं तो अल्लाह के कलाम के ऊपर ये लगा के आ गया शर्त। फरमाया कि भाई देखो सिनीन का लफ्ज़ है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तुम जाके इसकी मुद्दत भी बढ़ाओ और ऊँट भी बढ़ा दो। वो दोबारा आए कहने लगे भाई देखो भाई
ये सिनीन का लफ्ज़ है, तो ऐसा करें 10 साल की हम बात करते हैं और 100 ऊँट कर लेते हैं। वो खुश हो गया, उन्होंने कहा 100 क्या, जो करना है करो, ये हो ही नहीं सकता कि रूम वाले इतनी जल्दी दोबारा कुछ कब्ज़ा करो, तो ख़त्म हो रहे हैं, कमज़ोर हैं। खैर, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाया कि अहले रूम ये गालिब आ गए, अहले फारस को शिकस्त हुई, और ये वही वक्त था जब इधर अहले बदर में मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमाई और काफिरों को शिकस्त अता फरमाई। ये वो पेशिन गोइयाँ हैं, ये हक्कानियत के दलाइल हैं। इसके बाद एक और पेशिन गोई खिलाफत राशिदा की। कुरान मजीद में वाद अल्लाहु الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 वादे किए सहाबा से और तीनों पूरे हुए। पहला वादा, जिस तरह बनी इसराइल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम को अजीम बादशाहतें मिली, आपको भी मिलेगी और मिली। इस्लाम मुस्तहकम हो जाएगा, तख्त पे होगा और पूरा इस्लाम का इस्तेहकाम होगा पूरी ज़मीन के ऊपर। और तीसरी बात कि मुसलमानों के दिल से कुफ्फार का खौफ ख़त्म हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें पूरी हो गई। ये पेशिंगोई किस वक्त की गई, जब कोई ऐसे हालात नहीं थे कि ये कभी बात पूरी हो भी सकती है। मुसलमान कमज़ोरी में इंतहाई आगे और वो अपने अरूज में, मालो दौलत में, सल्तनत में, अपने कवानीन में बहुत आगे, लेकिन ये अल्लाह का वादा पूरा होके रहा। अब इसकी तफसील ज़रा समझ लीजिए। हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में हिजाज़, नजद, यमन, खैबर, बहरीन और अरब के अक्सर इलाके फतह हो गए। उधर हबशा में नजाशी मुसलमान हो गया। शाम के कुछ इलाके के लोग वो मुसलमानों के बाज गुजार बन गए और कुछ मजूसी भी। ये इब्तिदा थी। फिर अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुला लिया, अल्लाह की मर्ज़ी यही थी। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना। उसके बाद पहले खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके ज़माना खिलाफत में ईरान के बाद इलाके फतह हुए, बसरा और मुल्क शाम के बाद इलाके शामिल हुए मुसलमानों के अंदर। इनके बाद किन का दौर है जी? हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कैसर और किसरा सर पीटते रह गए, अपने इलाके बचाते रह गए, लेकिन पूरा मिस्र इन्होंने फतह किया, पूरा मुल्क शाम फतह किया, ईरान के भी अक्सर इलाके और रोम सल्तनत रोम के भी अक्सर इलाके ये फतह हो गए और इस्लाम का डंका बच गया। बहुत सारे इलाके ऐसे थे कि सारे ही लोग मुसलमान हो गए, शिर्क ही मिट गया। और बहुत सारे कुछ ऐसे भी थे जो मुसलमान तो ना हुए लेकिन मुसलमानों के बाज गुजार बन गए, पैसे देने लगे जिजिया। इनके बाद कौन हुए जी? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जब आए हैं तो मगरिब में स्पेन तक मुसलमानों की हुकूमत चली गई और इधर चीन तक मुसलमानों की हुकूमत आ गई। इतना बड़ा इलाका ये मुसलमानों को मिल गया। और 30 हिजरी में किसरा भी मारा गया, फिर किसरा की हुकूमत का नामो निशान तक रोए ज़मीन से मिट गया। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, हर तरफ से जो ख़ज़ाने हैं, दौलत है, ये मदीना तैयबा बैतुलमाल में आने लगे। बेहिसाब दौलत आई, बेहिसाब दौलत आई। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह उनके ज़माने में मज़ीद इस्तेहकाम हुआ। तो 30 साल के अंदर अंदर उस ज़माने की तकरीबन दुनिया के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत हो गई। बाकायदा खुलफ़ाए राशिदीन की फतूहात के ऊपर किताबें मौजूद हैं। अगर आप लोग भी किसी किताब को पढ़ने का इरादा कर लें, वैसे तो अब शौक़ ख़त्म हो गया, कोई भी नहीं पढ़ेगा, बता फिर भी देता हूँ, पढ़ेगा कोई भी नहीं, शौक़ ही नहीं है। अल्लाह करे पढ़ ले। ये बातें इसलिए नहीं करता कि मैं नेगेटिव माइंड को लेके बैठा हूँ छेड़ने के लिए, कि शायद कोई गैरत जाग जाए। किताब का नाम है फुतूहुश्शाम,
ये नौजवानों को पढ़नी चाहिए फुतूह शाम, पता लगे मुसलमानों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, फिर पता लगेगा कि हीरो कौन होते हैं। एक और भी मिसकॉन्सेप्शन हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा गैरों का बहुत है। आज का मगरिब ज़्यादा नौजवान क्या कहता है कि मुसलमान तो दुनिया में रुसवा ही होने के लिए आए हैं, नाउज़ुबिल्लाह। क्या किया मुसलमानों ने? अरे खुदा के बंदो, ये खिलाफत राशिदा जो दुनिया में फैली उसके बाद ये फैलती ही चली गई है। ये गुज़िश्ता 100, 150, 200 साल निकाल दीजिए, मुसलमानों ने दुनिया पे हुकूमत की है। खिलाफत राशिदा के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए, उमवी ख़ानदान था। इन्होंने फिर 41 हिजरी से लेकर 132 हिजरी तक हुकूमत की। 132 से लेकर 656 तक अब्बासिया खिलाफत अब्बासिया थी। 656 का मतलब 1258 ईस्वी। उसके बाद तकरीबन 1299 ईस्वी से लेकर 1922-23-24 तक खिलाफत उस्मानिया रही। इधर हिंदुस्तान में 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही और इधर स्पेन में 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। हिंदुस्तान में 1857 में मुसलमानों के हाथ से हिंदुस्तान निकला ना, जब अंग्रेज़ फ़ातह हुआ अपनों की गद्दारी की वजह से। लेकिन 1857 से लेके सिर्फ 90 साल अल्लाह ने पाकिस्तान बना दिया, मुसलमानों को फिर हुकूमत दे दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी मुल्क हैं। अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी हुई है, बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इस प्रोपेगेंडे में आने की ज़रूरत नहीं है कि मुसलमानों ने क्या किया। यूरोप की जितनी इंडस्ट्री आज है, जितनी टेक्नोलॉजी आज है, पैसा कहाँ से आया? हिंदुस्तान से गया। ये सोने की चिड़िया थी, इसको उन्होंने हर तरीके से जो है ना निचोड़ लिया, यहाँ से चीज़ें वहाँ ले गए। उनके पास तो उस ज़माने में खाने को भी कुछ ना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख बहुत ताबनाक और शानदार है। हम मगरिबी प्रोपेगेंडे में आके एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और कुरान की पेशिंगगोई आज भी मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हमारे बड़ों ने हुकूमत की, उनको इतनी इस दुनिया में इज्जत मिली, हम क्यों जलील हो रहे हैं, हम क्यों रुसवा हो रहे हैं? उसकी वजह हम खुद हैं। कुरान मजीद में आज भी कई आयत मौजूद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वअंतुमुल आलाऊन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, सही ईमान वाले हो, ईमान के तकाज़ों को पूरा करने वाले हो, तो आज भी तुम ही कामयाब होगे, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे। लेकिन आज हमें सर पे टोपी रखते हुए भी शर्म आती है। अब ऐसे बंदों का क्या कहें, सर ढक लो जी शर्म आती है जी, बुरका पहन लो जी शर्म आती है जी, अब क्या कहा जाए इन बातों का। वअंतुमुल आलाऊन इन कुंतुम मुमिनीन, ये वादा आज भी अल्लाह का है। जिस तरह पिछले सारे वादे अल्लाह के पूरे हों, ये वादा भी पूरा होके रहेगा अगर हम ईमान वाले बन जाएं, सही ईमान वाले। कुरान मजीद ने फतेह खैबर की पेशिंग गोई दी, व असाबहुम फतहन करीबा, खैबर फतह हुआ। व उखरा लम तक़दुरु अलैहा, कैसर व किसरा की हुकूमत की फतह होने की खबर दी, वो भी हुआ। कबाइल अरब की शिकस्त और उनके मगलूब हो जाने की खबर दी। कुल लिल्लज़ीन कफ़रू सतुग़लबून अम यकूलून नहनु जमीउन मुंतसिर सयुहज़मुल जमउ वयुवल्लूनद्दुबुर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद ही सालों में सारे अरब के अंदर मुसलमानों की हुकूमत दे दी। फतह मक्का की पेशिंग हुई, इदा जा नसरुल्लाह वल फतह, इसके अंदर फ़ी दीनिल्लाह अफवाजा, गुरु दर गुरु लोग आते रहे, फौज दर फौज। ग़ज़वा अहज़ाब में कामयाबी की पेशिंग गोई आई। वलम्मा रा अल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह ने अता फरमाई। यहूदियों के मुतालिक एक पेशिंग गोई जो आज भी वैलिड है, उस ज़माने में भी वैलिड थी। अल्लाह ने फरमाया वला यतमन्नूनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين। यहूदियों के बारे में कुरान ने चैलेंज दिया कि तुम मौत की तमन्ना कभी नहीं कर सकते।
और यहूदी नहीं कर सके, आज भी नहीं करते, मौत से डरते हैं। जो मुसलमान है जो शहादत की तमन्ना लिए के बैठता है, ये चैलेंज आपने यहूदियों के सामने किया, अगर वो मौत की तमन्ना कर सकते होते तो वो कह देते जी आपकी ये बात गलत है। अल्लाह फरमाते हैं अबदा कभी नहीं कर सकते ये मौत से मोहब्बत, मौत की तमन्ना कर ही नहीं सकते। ये कुरान मजीद ने चैलेंज दिए जो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबानी उम्मत को मिले। फितना इर्तेदाद, उसकी पेशिंगगोई भी और उसका ये भी कि अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह अता फरमाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। नबी अलैहिस्सलाम के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह के ज़माने में इर्तेदाद फैला और अल्लाह ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई, ये भी बताया था। अच्छा जी, ये तो कुरान मजीद से बात बताई ना, अब अहादीस के अंदर भी बहुत हैं। मैं तो कुछ खुलासा कुछ आज और परसों पेश कर अगले बुध को पेश करूँगा, तफसीलात तो बहुत हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फजर के बाद अलामात क़यामत बतानी शुरू की, ज़ोहर का वक्त आ गया, ज़ोहर पढ़ी, ज़ोहर के बाद मजीद बताते रहे, असर की नमाज का वक्त आ गया, असर की नमाज पढ़ी, फिर आप बताते रहे, फिर मगरिब का वक्त भी आ गया, कि जो कुछ होना था बहुत कुछ उसमें से बताया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो बहुत ख़बरें दी हुई हैं और एक एक बात पूरी हो रही, एक एक बात। खिलाफत राशिदा की खबर दी हदीस में और ये खबर दी कि 30 साल तक उसकी मुद्दत होगी, और ये भी बताया कि मेरे बाद अबू बकर और उमर होंगे। पूरी तरतीब बताई कि कैसे होंगे, इस तरह के इशारे बेशुमार मिले। इस्लामी सल्तनत की वसात, रूम और फारस का ज़ेर हो जाना, ये सब कुछ बताया। कैसर और किसरा की हलाकत और बर्बादी को बताया। यमन फतह होगा, शाम फतह होगा, इराक, मिस्र, बैतुल मुकद्दस फतह होगा, ये सब बताया। और कुस्तुनतुनिया का भी बताया। कुस्तुनतुनिया के अलावा बाकी सारे जल्दी फतह हो गए थे सहाबा के दौर में। कुस्तुनतुनिया कब फतह हुआ? 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से। कई मुसलमानों ने कोशिशें की लेकिन कामयाब ना हुए, अल्लाह ने इनको इज्जत देनी थी, तो ये बात भी पूरी हुई। जंगे बदर से एक दिन पहले नबी अलैहिस्सलाम ने, वो 1000 हैं इधर 313 हैं, सहाबा के साथ गए, कहा इधर अबू जहल मरेगा, इधर उतबा, इधर रबिया, आप निशानदेही करते रहे, यहाँ यहाँ कल ये मरे पड़े होंगे और वहीं वहीं कल सारे मरे हुए मिले। अभी तो जंग होने में एक दिन पूरा बाकी था। एक काफिरों का सरदार था उबई बिन खल्फ, फरमाए कि इसको मैं अपने हाथ से मारूंगा, फिर आपने अपने हाथ से ही उसे मारा। ग़ज़वा अहज़ाब में जब सारी अरब की फ़ौजें आ गई हमले के लिए और लम यनालू खैरा। अच्छा, ये भी एक बात है, हमारे बचपन में ये दिखाते थे, इसको कहते थे ठेंगा, ऐसे जब दिखाते थे, याद है जी आपको, ये एक मजाक उड़ाने का, या एक ऐसा जो आज तो जनाब ये लाइक का बन गया, पर हमारा ठेंगा था उनका लाइक, हमने अपना ठेंगा बुला के उसको लाइक कर दिया। ऐसे ही बचपन में हम किसी को यूँ दिखाते थे, ठेंगा दिखाना होता था, आज इसका मतलब है जनाब वेरी गुड। हम तो अपनी चीज़ें भी बदल लेते हैं, दूसरों की काफिर की कोई चीज़ आ जाए, इतने तो हम जो है ना वो माशाल्लाह। खैर, ग़ज़वा खंदक में याद आए ठेंगा कि कुरान मजीद वाले में लम यनालू खैरा, कुछ नहीं मिला उनको। तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, आज के बाद कुरैश हम पर कभी हमला करने की जरूरत नहीं कर सकते, अब हमारी बारी, अब हम जाएंगे, और यही हुआ। नजाशी की वफ़ात के आपने खबर दी। ग़ज़वा मौता में आपने लश्कर भेजा, 3 लोगों को सरदार बनाया था, उनकी वहाँ शहादत की बिल्कुल लाइव रिपोर्टिंग आप यहाँ देते रहे, इतला देते रहे, अब ये शहीद हो गए, अब ये शहीद हो गए, अब ये शहीद हो गए। मदीना तैयबा में बैठे हैं ये, तो आज ये लाइव ब्रॉडकास्ट जहाँ से जा रहा है ना, चीज़ें चल रही हैं वहाँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लाइव खबरें भी दी कि वहाँ सैकड़ों मील दूर ये कुछ हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। शेब अबी तालिब में जब मुसलमानों को 3 साल के लिए क़ैद किया गया तो काफिरों ने ना एक दस्तावेज़ लिखी थी जालिमाना, और वो बैतुल्ला शरीफ के अंदर लटका दी थी,
नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि उसको दीमक खा गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है, बाकी सारा कुछ दीमक खा गई। काफिरों का हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब देखा तो ऐसे ही था। ये सब वो पेशेंगोइयाँ हैं, वो ख़बरें हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से निकली और पूरी होके रहीं। मरदुल वफ़ात में नबी अलैहिस्सलाम ने बीबी फातिमा को कहा कि सबसे पहले मेरे खानदान सबसे पहले तुम ही मुझे आके मिलोगी। मरदुल वफ़ात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा को क्या कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम ही होगी जो मुझे आके मिलोगी। इसी तरह मरदुल वफ़ात में आपने ये भी फरमाया था अज़वाज मुतहरात से, तुम में जो सबसे ज़्यादा खैरात करने वाली होगी ना, वो सबसे जल्दी उसका इंतकाल होगा। तो हज़रत ज़ैनब बिनते जहश का फिर इंतकाल हुआ। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आका ने फरमाया कि ये शख्स फितरों के लिए ताले की मानिंद है, जब तक ये शख्स मौजूद है उम्मत में फितने नहीं आ सकते। और ऐसे ही हुआ, जैसे ही आपका इंतकाल हुआ, शहादत हुई, उसके बाद फिर उम्मत में फितने शुरू हुए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी को कहा शहीद होंगे, वो हुए। हज़रत अली को कहा आप भी शहीद होगे और आपकी दाढ़ी आपके खून से तर हो जाएगी, आप शहादत भी हुई और दाढ़ी भी खून से तर हुई। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। हज़रत उस्मान को कहा कि तुम दुश्मनों के बलवे में शहीद होगे और जन्नत में होगे, जन्नत में जाओगे। उनके साथ भी यही हुआ। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह के बारे में बताया कि तुमको बागी जमात शहीद करेगी, बागी जमात ने किया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला नवासे रसूल, उनके बारे में ख़बर दी कि इनके हाथों पे मुसलमानों की दो अजीम जमातें इत्तेहाद में आ जाएंगी। जब हज़रत हसन ने अपनी खिलाफत को छोड़ के हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को अपनी खुशी से खिलाफत दी। हज़रत हुसैन के बारे में फ़रमाया कि मेरी उम्मत आपको शहीद कर देगी, वो भी हुआ। साबित इब्न क़ैस, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इनके बारे में भी जो ख़बरें बताई सारी हुई। आलिम मदीना के आने की ख़बर दी, इमाम मालिक आए। आलिम क़ुरैश के आने की ख़बर दी, इमाम शाफी आए। आलिम फ़ारिस की ख़बर दी, अबू हनीफ़ा आए। हर सदी के ऊपर एक मुजद्दिद आया करेगा, हर सदी में एक मुजद्दिद आते चले जा रहे हैं। इसी तरह खवारिज की, रवाफिज़ की बताया कि ये ऐसे फितने आएंगे, वो भी आए। मुनकरीन हदीस के बारे में बताया कि ये फितना भी होगा कि कुरान को मानेंगे हदीस को नहीं मानेंगे, वो भी हुआ। अस्वद अंसी, इसने सनआ में यमन के अंदर नबूवत का दावा किया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इसका कत्ल होगा, और जब कत्ल हुआ तो आपने मदीना में लोगों को इत्तला की, वो भी पूरा हुआ। ईरान का बादशाह था परवेज़, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसी के बेटे ने उसको कत्ल कर दिया, शेरिया ने। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के बारे में भी एक बताई बात, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला में मुसलमान नहीं हुए थे, ग़ज़वा बदर में क़ैद होकर मुसलमानों के पास आ गए। अब हुआ फ़दिया दे के सबको छोड़ाना है, हज़रत अब्बास को कहा भी फ़दिया लाओ, छोड़ें आपको। उनका मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कहा वो जो उम्मुल फ़ज़ल के पास माल छोड़ कर आए वो किधर है, वो दो ना। तो कहने लगे ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, तो मेरी अकेले की बात थी, वहाँ रखवाया तो किसी को भी नहीं पता था। तो ऐसी बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारी बातें आईं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो अल्लाह ने पूरा करके दिखाया। जिस तरह आपकी हर बात पूरी हुई ना, ये बात भी पूरी होगी। जो नमाज की पाबंदी करने वाले होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और नमाज को कज़ा करने वाले सज़ा भुगतेंगे। कोई बता सकता है एक नमाज को कज़ा करने का गुनाह कितना है? फ़ज़ाइल आमाल में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा है, एक नमाज को कज़ा करने का गुनाह कितना है जी, बताएं। एक हुकूक़ का लफ्ज़ है, आपने सही उसका तर्जुमा किया, 2,88,00,000 साल जहन्नम। आका की जब इतनी बातें पूरी हुई हैं, क्या ये पूरी नहीं होगी? सवाल एक, हाँ तौबा कर लें तो फिर मसला हल हो जाएगा। तौबा करके जो नमाज कज़ा है उनको अदा करना शुरू कर दें। अलामत क़यामत, ये नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत तफसील से बताई। अलामत क़यामत बताई क्यों? इसलिए कि तैयारी कर लें
तौबा ताइब हो जाएं, अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, इसलिए बताएं दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़कर आखिरत की तरफ फिक्र करने वाले बन जाएं। अब अलामत क़यामत की ना तीन किस्में हैं, बईदा, मुतवस्सिता और करीबा। बईदा बईद दूर फासला, बईदा वो हैं कि जिन अलामत में और क़यामत में फासला ज़्यादा है, मुतवस्सिता दरमियान में, कुछ अलामत मुतवस्सिता हैं सेंटर वाली के बईदा के बाद हैं और करीबा से पहले हैं, और करीबा जो बिल्कुल करीब जाके हैं कि बईदा भी गुज़र चुकी, मुतवस्सिता ख़त्म होने लगेंगी तो फिर बईदा शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल करीबा आखिरी आखिरी। तो बईदा जो क़यामत से दूर, मुतवस्सिता दरमियान और करीबा बिल्कुल जुड़ी हुई, बिल्कुल साथ साथ। अलामत बईदा ये किस्म अव्वल है क़यामत की निशानियों में से। देखिए क़यामत की हर निशानी बुरी नहीं होती, ना ही क़यामत का दिन कोई खुद बुरा दिन है, कितनों की इज्जतों का दिन होगा। अरे जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम उम्मत को आबे कौसर पे लाए वो कोई बुरा दिन होगा? हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं, हमें कब्र का अजाब ही क्यों याद आता है? कब्र का अजाब अपनी जगह है, लेकिन तौबा ताइब होने वाले मोमिनीन के लिए कब्र जन्नत का बाग भी तो है। तो क़यामत का दिन बहुत इज्जतों का दिन होगा इंशाअल्लाह। तो अलामत क़यामत में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ही बुरी हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना बुरा तो नहीं है, रहमत है, अलामत क़यामत है। तो अलामत क़यामत अलामत क़यामत में जो बईदा में एक अलामत है वो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आपका आ जाना, क्योंकि आप और क़यामत साथ साथ हैं, अब कोई नबी और नहीं, आखिरी नबी। तो नबी अलैहिस्सलाम का आना तो ऐन रहमत है, ऐन रहमत है। तो नबी अलैहिस्सलाम का आ जाना ये एक है, चाँद के दो टुकड़े हो जाना फिर नबी अलैहिस्सलाम का चले जाना ये भी है, इस तरह और भी एक बात चीज़ें हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फितना तातार, तातारियों के बारे में बता दिया था कि ये आएंगे, फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम तुर्कों से जंग करोगे जिनकी आँखें छोटी होंगी, चेहरे सुर्ख होंगे और नाक भी छोटी और चिपटी होगी, और उनके चेहरे की गोलाई ऐसी ढाल की मानिंद होंगी जिस पर तय बते चमड़ा चढ़ा दिया गया होगा, और क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम एक ऐसी कौम से जंग कर लो जिनके जूते बालों के होंगे। ये सारी अलामत जो हैं ये तातारियों में के अंदर पाई जाती हैं, आपने पहले से बता दी, इसमें और भी तफसीलात हैं, मैंने सिर्फ एक हदीस पढ़ी। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम ने एक आग के बारे में बताया था कि हिजाज की सरजमीन से आग निकलेगी और बहती नदी की मानिंद होगी और इतनी रोशन होगी कि सैकड़ों मील दूर बसरा शहर में ऊँटों की गर्दनें उस आग की रोशनी में देखी जा सकें। इसकी बहुत तफसीलात हैं। ये 654 हिजरी को ये आग निकली मदीना तैयबा में, इतनी बुलंद हो गई कि बहुत दूर से नज़र आती। बसरा के लोगों ने बाकायदा ऊँटों की गर्दनें रात के वक्त उस आग की रोशनी में देखी, आग मदीना में और उसका असर बसरा तक। रिवायत में बात मिलती है कि जब आग बढ़ रही थी तो नदी की मानिंद थी और जिस पहाड़ को जाती जला देती, चलते चलते जब मदीना के हरम के हदूद हरम में आई है तो एक बड़ा पत्थर था, उसका कुछ हिस्सा हरम से बाहर था, कुछ हरम के अंदर था, जो हरम के बाहर था वो जल गया, जो हरम के अंदर था वो बच गया, हरम में नहीं दाखिल हो सके। ये भी नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, और आज भी वहाँ जाके लोग देख सकते हैं मदीना तैयबा में कि वो आधा अभी भी जला हुआ है और आधा अभी भी ठीक है, वो आधा जो बचा हुआ है वो हदूद हरम का है। हाय हाय, अभी अभी दिल में एक बात आई है इस बात से, जो हदूद हरम में मदीना में आ जाए, पत्थर को अल्लाह जहन्नम की, पत्थर को अल्लाह आग से बचा ले, अगर हम नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आ जाएं और आप के अहकामात को शरीयत को मोहब्बत से अपनाने लग जाएं, उसकी हुरमत का ख्याल रखें, अल्लाह हमें भी आग से बचा लेंगे। अल्लाह तो पत्थरों को बचा लिया करते हैं, किस वजह से? मदनी के साथ ताल्लुक़ होने की वजह से। अगर हम भी अपने आका मदनी के साथ सच्चा ताल्लुक़ कर लेंगे, जहन्नम की आग कहाँ जला सकती है फिर? ना कफन इंशाल्लाह मैला होगा,
न पुलिस हिरासत पर कोई मसला होगा, हम हक अदा करें। दूसरी किस्म है जी अलामत क़यामत की, अब मैं आपको सुनाता हूँ, इसको आप सब मानेंगे और सब हो रही हैं। ये बताई कब थी? जब पाक दामनी का ज़माना, सच का ज़माना, झूठ से नफ़रत, मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के हुक्मों पर जान देने वाले, छोटे बड़ों का अदब करने वाले, सूद से नफ़रत, धोखे से नफ़रत, जुए से नफ़रत, ये सहाबा कराम के मुबारक मजमे में ये बातें बताई जा रही हैं। सहाबा तो हैरान होते होंगे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उस ज़माने में जब ये बातें बताई, गोया कि आप देख रहे थे क्या होगा। उस ज़माने में ये सारी बातें बता देना, ये समझ से बालातर बात थी। जैसे आज से कोई 100 साल पहले कोई ये बात सुन लेता कि घर घर नाच गाना होगा, उस वक्त उसको शायद समझ में ना आती, लेकिन आज ये इस मोबाइल फ़ोन की वजह से हमें समझ में आ जाएगी। तो जिस ज़माने में ये बातें बताई गई हैं, सुनते जाइए और गौर करते जाइए कि आका की ज़ुबान से निकला वह हर हरफ अल्लाह ने पूरा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा दीन पर कायम रहने वाले शख्स की हालत ऐसी होगी जैसे आग के अंगारे को अपनी मुट्ठी पर रखा हुआ, हाथ में रखा हुआ, हथेली पर रखा हुआ, दीन पे चलना इतना मुश्किल हो जाएगा। दुनियावी एतबार से ज़्यादा खुश नसीब वो कहलाएगा जो बहुत ही कमीना और कीना परवर और गलीज़ किस्म का आदमी। फरमाया कि लीडर बहुत होंगे लेकिन अमानतदार नहीं होंगे, ये भी 1400 साल पहले बता दिया था। आगे फरमाया, कबीलों के कौमों के लीडर मुनाफिक भी होंगे और अखलाकी एतबार से जलील तरीन लोगों में से होंगे, फासिक होंगे। फरमाया कि बाज़ारों के जो बड़े ताजिर होंगे, बाज़ारों के जो बड़े ओहदेदार होंगे, वो फाजिर होंगे। पुलिस की कसरत करेगी जो जालिमों की पुष्ट पनाही किया करेगी। आगे फरमाया कि बड़े बड़े ओहदे नाअहलों को मिलेंगे, वो हुकूमत करने के लिए आपस में लड़ा करेंगे। और फरमाया कि तिजारत बहुत फैल जाएगी, हत्ता के औरत अपने शोहर का तिजारत में हाथ बटाया करेगी, और कसाद बाजारी ऐसी होगी कि बरकत फिर भी नहीं होगी। ये सब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। नाप तोल में कमी की जाएगी, लिखने का रिवाज बहुत बढ़ जाएगा, तालीम हासिल की जाएगी लेकिन मकसद दुनिया होगा कि पैसा कैसे मिले। दीनी तालीम भी पैसे की वजह से हासिल की जाएगी। फरमाया कि कुरान मजीद को गाने बजाने के आलों के साथ पढ़ा जाएगा, ये हम देख रहे हैं कितनी नातें म्यूज़िक के साथ हैं, बेशुमार नातें जो म्यूज़िक के साथ हैं। इंसान जब गाना सुनता है ना, म्यूज़िक सुना, गाना सुना, कम से कम उसको इबादत का दर्जा नहीं देता, समझता है कि ये गलत है, तौबा की तौफीक। जब नात के अंदर ही गानों से ज़्यादा म्यूज़िक हो और उसको समझ इबादत रहा हो तो तौबा कौन करे। ये तो 1400 साल पहले बता दिया था कि शोहरत और माल के लिए ये गा गा के कुरान और हदीस की बातें किया करेंगे। कुरान पढ़ने वाले ऐसे होंगे, फुकहा की किल्लत होगी, दीन को सही समझने वाले थोड़े रह जाएंगे। और अगली बात सुनिए जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में भरपूर तरीके से पूरी की, रशिया में भी पूरी हुई, पूरी दुनिया में पूरी हो रही है। फरमाया कि उलमा को कत्ल किया जाएगा, ये 1400 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था कि उलमा को कत्ल किया जाएगा, उन पर ऐसा सख्त वक्त आ जाएगा कि वो अपनी मौत की तमन्ना किया करेंगे, इतनी तकलीफ़ें उनको दी जाएंगी। एक और निशानी सुनिए, फरमाया कि इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों को लान तान किया करेंगे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो सहाबा कराम को या पीछे मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, तो ये भी अलामत क़यामत। अगली बात, अमानतदार को खाइन और खाइन को अमानतदार कहा जाएगा, ये भी चल रहा है। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा, अच्छाई को बुरा और बुराई को अच्छा कहा जाएगा।
अजनबी लोगों से अच्छा सुलूक किया जाएगा और रिश्तेदारों के हुकूक पामाल किए जाएंगे। बीवी की इताअत की जाएगी और माँ बाप की नाफरमानी होगी। मस्जिदों में शोर और शगब होगा और दुनिया की बातें होंगी। एक और निशानी, सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सिर्फ जान पहचान वाले लोगों से किया जाएगा, हालांकि सलाम का तो हुक्म यह है कि हर एक को करो, पहचानते हो या नहीं पहचानते सबको करो, लेकिन जिसको हम पहचानते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, जिसको नहीं पहचानते बस ख़त्म। तो ये भी क़यामत की निशानी है। तलाक़ की कसरत होगी, नेक लोग परेशानी में होंगे, छुपते फिरेंगे, तकलीफ़ में होंगे, और जो कमीने लोग होंगे वो कमीने लोगों का दौर दौरा होगा और वो दनदनाते हुए फिर रहे होंगे। लोग फ़खर, दिखावा, रियाकारी, अपना स्टेटस दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे। जी मैंने इतनी बड़ी बनाई, मैंने इतनी हाई राइज बनाई। अब तो ये तो आम लोगों से निकल के हुकूमतों में भी चली गई कि जी ये 100 मंजिला है तो ये 150 मंजिला है, ये इतनी ऊंची है तो वो उतनी ऊंची है। बाकायदा इसके लिए फ़ख्र के ऊपर ये काम किया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल बताया, ये बताया कि गुनाहों के नाम तब्दील कर दिए जाएंगे, उनको हलाल जाना जाएगा। मसलन शराब का नाम नबीज़, सूद को तिजारत, और रिश्वत का नाम हदिया रख दिया जाएगा और इन्हें हलाल समझा जाएगा। ये सब हमारे माशरे में हो रहा है। सूद, जुआ, गाने बजाने के आलात, मौसीकी के आलात, ये खूब कसरत से होंगे। एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तौहीद को फैलाने और आलात मौसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ, और हम आलात मौसीकी घर में सजा रहे होते हैं, मिनी थिएटर, होम थिएटर हमने घर में बनाए होते हैं। कहाँ से हम नबी अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखते हैं, गौर कीजिए। फरमाया कि शराब खोरी और जिना की कसरत होगी, ये बात भी बहुत पूरी हो चुकी। बेहयाई की खूब कसरत होगी और नाजायज़ औलाद की भी कसरत होगी, ये बात भी पूरी हो चुकी। उस ज़माने में जब हया और पाकदामनी का ज़माना था, फरमाया कि दावतों में एक ज़माना ऐसा आएगा कि दावतों में खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ औरतें भी पेश की जाएंगी, ये भी हो रहा है। नागहानी और अचानक अमवात, सडन डेथ, इसकी बहुत कसरत होगी। कहीं पे एकदम 10 मर गए, कहीं एकदम 2 मर गए, कहीं 100 मर गए, कहीं अचानक अमवात बहुत ज़्यादा होंगे। और एक और ख़बर दी आका ने, लोग मोटी मोटी गद्दियों पर सवारी करके मस्जिदों के दरवाज़ों तक पहुँचेंगे, यानी ऐसी कीमती गाड़ियाँ होंगी, उनके अंदर ऐसे कीमती जो है ना, वो उनकी सीट्स इतनी होंगी, मोटे मोटे गद्दे, नरम गद्दे होंगे। ये सब बातें आपने बताई। फरमाया एक ज़माना आएगा कि उनकी औरतें कपड़े पहनती होंगी लेकिन उसके बावजूद नंगी होंगी, बारीक लिबास होगा और चुस्त होगा, उनके सर बख्ती ऊँट के कोहान की तरह होंगे, लचक लचक कर चलेंगी, मटक मटक कर कैट वॉक करेंगी, मटक मटक कर चलेंगी और लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी और ख़ुद माइल होने वाली होंगी। ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे। वो औरतें जो बारीक लिबास पहनती हैं, टाइट लिबास पहनती हैं, मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं, उनकी तरफ माइल होती हैं, अगर ये तौबा ना करें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत तो बहुत दूर की बात, उसकी खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे। मोमिन आदमी इन लोगों के नज़दीक बहुत ही घटिया और कम तरीन आदमी होगा, जिसने सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी, उसकी माशरे में कोई वैल्यू नहीं होगी। ये भी हम देख रहे हैं, मोमिन बुराइयों को देखेगा, कुढ़ेगा, कर कुछ नहीं सकेगा, इतनी मजबूरी का आलम होगा। तो ये वो बातें हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और हम इनको पूरा होते हुए देख रहे हैं। आखिर में जो बातें बताई, अलामतें मुतवस्सिता हैं, दरमियानी अलामत हैं, ये सारी शुरू हो चुकी हैं, अपने इंतहा की तरफ जा रही हैं। जब ये अपनी मज़ीद इंतहा पर जाएंगी
तो फिर अलामात करीबा जो बिल्कुल आखिरी हैं, अलामात कुबरा भी उनको कहा गया, वो शुरू हो जाएंगी, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, इमाम मेहदी का आना, याजूज माजूज का आना और क़यामत का आना। तो ये आखिरी जो चीज़ें हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली बुध को इसको हम बयान करके ये सीरत का जो हमारा एक सिलसिला था इसको मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसको कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा के कलिमात पढ़ लीजिए, जो बैत होना चाहे बैत की नियत भी कर सकता है, साथ साथ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين। थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लीजिए, आँखों को बंद कर लीजिए, सरों को झुका लीजिए, ये ख्याल करके बैठिए कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबी अल उम्मील करीम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं, अल्लाह ज़ाहिर में बंदे हकीकत में नहायत ही गंदे हैं। या अल्लाह हमारे दिलों की गंदगियों को दूर फरमा, हमारे सीनों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा, हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद फरमा, रब करीम सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज़ फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा, आयबों की पर्दा पोशी फरमा, रब करीम अपनी रहमतों की पुष्पनाही नसीब फरमा, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक ने की तकवा अता फरमा, हया और पाक दामनी वाली ज़िंदगी अता फरमा। रब करीम हम सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा। या इलाह आलमीन तमाम हाज़रीन की तमाम दिली नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा, हम में और हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं कर्ज़ों की अदायगी के आसान असबाब अपनी रहमत से पैदा फरमा। या इलाहा आलमीन हम सबको अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा। या इलाहा आलमीन पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा, दावत और तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहाँ अल्लाह अल्लाह की उन खानकाहों की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद मदारिस मराकिद अरबी की हिफाजत फरमा, इकामत दीन की कोशिशें करने वालों की हिफाजत फरमा। रब करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सैयद। या अल्लाह बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा और जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए, और वो लोग जिनका हक़ है कि उनके लिए दुआएं करते रहा करें,
या अल्लाह सब के लिए खैर के फ़ैसले फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहले बैत अजमाईन, आमीन या रब। www.darsequran.com